अध्याय नंबर दो, गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग। लास्ट टॉपिक अपना था घर वाला, क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गया था। काफी बच्चों के आंसर इसमें सही नहीं आए, इसलिए मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। घर वाला क्वेश्चन क्या था कि यदि किसी घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा जाए तो अलग अलग पोजिशन के अंदर, अलग अलग स्थिति के अंदर निर्गत फ्लक्स क्या होगा। इसको अपन वापस रिपीट कर रहे हैं एक बार। आकृति कैसी भी हो, गाउसीय पृष्ठ कैसा भी हो, आकार कैसा भी हो, अगर उसके केंद्र पे प्लस क्यू आवेश है तो निर्गत फ्लक्स का मान गॉस के नियम से फाई बराबर क्या होगा, क्यू बटा में एप्सिलॉन जीरो। इसके बाद अपने यहाँ पे अलग अलग कंडीशन लेंगे। जैसे मान लो ये घन है तो घन के अंदर फलक कितने हैं, फलक एक दो तीन चार पांच और छह फलक होंगे। आपसे पूछा जाए कि एक फलक से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, तो अपने इसको कैसे निकालेंगे, गॉस के नियम से सभी छह फलकों से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन जीरो। तो एक से कितना होगा, एक के लिए अपन क्या करेंगे, फाई डैश इज इक्वल टू फाई बटा में सिक्स कर देंगे कि एक फलक से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, फाई बटा में सिक्स। और फाई का मान कितना है तो लिखेंगे फाई डैश इज इक्वल टू क्यू बटा में सिक्स एप्सिलॉन। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार किनारे दिए हुए थे, किनारे वाला प्रश्न अपने पेपर में दिया है कि एक किनारे से या प्रत्येक किनारे से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। तो घन के अंदर किनारे कितने हैं, बहुत ही आसान, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह। किनारे कितने हो गए, बारह हो गए। घन के बारह किनारों से कुल निर्गत फ्लक्स होगा फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन। एक किनारे से कितना होगा, तो फाइव डैश इज इक्वल टू क्या करेंगे, फाइव बटा में एन, एन का मान कितना है यहाँ पे 12 है, 12 का भाग दे देंगे और इस फॉर्मूले के अंदर फाइव का मान रख देंगे, तो फाइव डैश इज इक्वल टू आएगा क्यू बटा में 12 एप्सिलॉन जीरो। कल वाले क्वेश्चन का ये आंसर था। इसके बाद में इसमें लास्ट पोजिशन आती है कि जो घन है, घन के अंदर शीर्ष कितने हैं, शीर्ष है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। एक शीर्ष से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, तो घन के कुल आठ शीर्षों से निर्गत फ्लक्स गॉस के नियम से फाई इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन जीरो है। तो एक से कितना होगा, फाई डैश इक्वल टू फाई बटा में एन, और एन का मान यहां पर कितना होगा आठ, तो फाई डैश इक्वल टू क्या आएगा, फाई का मान रख देंगे ये आएगा क्यू बटा में आठ एप्सिलॉन जीरो। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बहुत ही आसान सा इंपॉर्टेंट, समावेशित गोलीय कोष, समावेशित गोलीय कोष या गोलीय चालक पर लगने वाले बल एवं विद्युत दाब का व्यंजक। तो प्रश्न क्या है, गोलीय कोष है, गोलीय कोष या गोलीय चालक या चालक बोला जा सकता है, तो गोलीय कोष या चालक गोले पर आवेश कहां पर होगा, बारिश तह पर, अंदर आवेश कितना होगा, जीरो होगा। तो पहले अपने यहां पर बल का मान निकालेंगे, तो बल का मान निकालने के लिए मैं डायग्राम ले रहा हूं यहां पर गोलीय कोष का। ये गोलीय कोष है अपने पास, इस पर आवेश है यहां पे Q, Q आवेश समान रूप से वितरित है इस प्रकार से, तो ये कहलाएगा समावेशित गोलीय कोष या चालक गोला। बल का मान निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, इसके अंदर और बाहर दो बिंदु लेंगे अपने, एक बिंदु इसके सेंटर के अंदर है यहाँ पे P1 बिंदु और एक यहाँ पर है बाहर है। बल का मान निकालने के लिए कल्पांश लेंगे यहाँ पे, अल्पांश लेंगे अपने यहाँ पे, इसका अल्पांश आएगा ये बी और बाकी जो परिधि बच गई वो है ए सी बी। किसी समावेशित गोलीय कोष या चालक गोले के अल्पांश ए बी पर स्थित आवेश, ए बी पर जो आवेश होगा इस ए बी पर स्थित आवेश के कारण बाकी जो परिधि बच गई उस पर बल लगेगा, और बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल। इस लगने वाले प्रतिकर्षण बल को ही अपने क्या बोलेंगे, विद्युत बल। किसी चालक की अल्पांश या गोलीय कोष के अल्पांश पर स्थित आवेश के कारण, अल्पांश ए बी पर स्थित आवेश के कारण बाकी जो परिधि है ए सी बी उस पर स्थित आवेश पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। इस लगने वाले प्रतिकर्षण बल को ही अपने क्या बोलेंगे,
विद्युत बल। तो विद्युत बल की वैल्यू निकालने से पहले अल्पांश ई जी लेते हैं, जो भी अल्पांश है वो अल्पांश है डीएस बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पर आवेश का अल्पांश लेना है वो डी क्यू। पृष्ठ का जो अल्पांश होगा वो कितना आ जाएगा, डीएस आ जाएगा। अल्पांश ई बी पर स्थित आवेश के कारण जो बिंदु पी वन है, बिंदु पी वन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वन। अल्पांश ए बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु पी वन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ई वन। बाकी जो परिधि बच गई ए सी बी, इस पर स्थित आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा ई टू। कितना होगा ई टू। यहां पर जो ई वन और ई टू है ये दोनों परिमाण में कैसे है, बराबर दिशा में कैसे है, विपरीत है। तो P1 बिंदु के लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता आएगी अपने पास, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, P1 बिंदु के लिए E1 माइनस E2 बराबर जीरो, क्योंकि E1 और E2 कैसे हैं, परिमाण में बराबर है और दिशा में कैसे हैं, विपरीत है। इस समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या E1 इज इक्वल टू E2, समीकरण नंबर 1 नंबर। अब देखो ये तो आ गया पहला बिंदु P1, अब बात करते हैं अपने P2 बिंदु पर। P2 बिंदु पर जो अल्पांश AB पर स्थित आवेश है और जो बाकी परिधि है AC उस पर जो आवेश है, इन दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो एक डायरेक्शन में होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, अंदर से बाहर की ओर। इस प्रकार से E1 और E2, जब दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होगी तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, P2 बिंदु पर E बराबर होगी E1 प्लस E2, समीकरण नंबर 2 नंबर। समीकरण 2 में अपने क्या करेंगे, समीकरण 2 में अपने 1 से मान रख देंगे, समीकरण 1 से वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो ये आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, E बराबर E1 प्लस, अब देखो अपने E2 को क्या लिख सकते हैं, E2 किसके बराबर है, E1 के बराबर है। चाहे E1 के बराबर E2 रख दो या E2 के बराबर E1, बात एक ही है, इसको मैं लिखता हूं, लिख दूंगा E1। तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 2E1, और यहां से मैं वैल्यू निकालूंगा E1 की, तो ये आ जाएगा या E1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा E/2। अब अपन यहां पर क्या करेंगे, इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रख देंगे। तो देखो आवेश कहां पर है, पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ का अल्पांश लिए, जैसे मान लो अपने पास ये पृष्ठ है, चादर के रूप में है, प्लेट के रूप में है, अगर बाहर आवेश है तो कैसा बन गया चालक, और चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने निकाली है, कितनी थी, E बराबर थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये मान अपने इस फॉर्मूले में यहां रख देंगे, तो इसको अपने आगे हल करते हैं, तो ये आएगा E1 इज इक्वल टू, इसको अपन लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये समीकरण आ जाएगा कितने नंबर, 3 नंबर। बहुत ही आसान है, E1 की वैल्यू निकाली और E1 बराबर क्या आया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अपना टॉपिक क्या है, सम आवेशित गोलीय चालक या चालक गोले के कारण विद्युत बल का मान निकालना है। तो बल का फॉर्मूला यहां से अपने सत्यापित करेंगे, E1 का मान निकाल लिया है, अब अपने यहां पर लिखेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व के सूत्र से। पृष्ठ आवेश घनत्व, ये छोटा सा अल्पांश लिया है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है dQ/dS। अगर यहां से अपने आवेश की वैल्यू निकालें तो ये आएगा dQ/σds, समीकरण नंबर 4 नंबर। अपना टारगेट है अपने बल का मान निकालना है, तो बल का मान निकालेंगे अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपने पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 1 के अंदर, किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहां पर अपन तीव्रता को लिखेंगे, तीव्रता कितनी है, E1 है, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, dF/dQ। किसी आवेश पर, आवेश कौन सा लिया, अपने अल्पांश लिया है, बल कितना लग रहा है, अल्पांश के रूप में लग रहा है, तो किसी आवेश पर लगने वाले बल, बल कितना है dF, और अल्पांश कितना है आवेश का dQ। किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, या dF/E1 × dQ, और यह आ जाएगा समीकरण नंबर 5 नंबर।
समीकरण पास करने बल का सूत्र निकाल लिया है और बल की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण तीन और चार से क्या करेंगे समीकरण नंबर पांच में मान रख देंगे। तो इस समीकरण को अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे समीकरण तीन चार व पांच से, समीकरण तीन चार व पांच से मान रख देंगे। तो यह आएगा डीएम बराबर ई वन का मान क्या है सिग्मा अपॉन टू इप्साइलन नोट इनटू डी क्यू का मान क्या है सिग्मा डीएस, सिग्मा का सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डीएम बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा में टू इप्साइलन जीरो डीएस, समीकरण नंबर छह नंबर। ये प्रश्न के अल्पांश पर स्थित आवेश के कारण विद्युत बल का व्यंजक है, हमें क्या करना है संपूर्ण प्रश्न पर जो आवेश है उस पर लगने वाले बल का व्यंजक अपने को व्युत्पन्न करना है। तो संपूर्ण प्रश्न के लिए समीकरण छह का अपने क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन कैसा होगा क्लोज होगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन एस डी एफ इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन एस सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो डीएस, डीएफ का इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा एफ आ जाएगा, एफ बराबर आएगा क्लोज इंटीग्रेशन एस सिग्मा स्क्वायर बटा में टू एप्सिलॉन जीरो डीएस। ये समीकरण आगे कितने नंबर सात नंबर। समीकरण सात ही क्या है सम आवेशित गोलीय कोष या चालक गोले पर लगने वाले विद्युत बल का व्यंजक है। अब अपने को यहां से दाब निकालना है विद्युत दाब, दाब क्या होता है किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं, लेकिन यहां पर क्या है विद्युत दाब है। तो किसी समावेशित गोलीय कोष या चालक गोले की एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही विद्युत दाब या दाब विद्युत कहलाता है, विद्युत दाब या दाब विद्युत। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे पी या प्रेशर, और प्रेशर इक्वल टू क्या फोर्स ऑन एरिया, एरिया को अपन ऐसे लिख सकते हैं या ए से भी लिख सकते हैं। अब ये कैसा है दाब विद्युत है तो यहां पर अपन लिख देंगे इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, और ये अल्पांश के रूप में है तो यहां पर मैं डी ला लेता हूं और यहां पर भी डी। तो पी विद्युत बराबर क्या आएगा डीएस बटा में डीएस, और इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं सात नंबर। अब अपन क्या करेंगे समीकरण सात में समीकरण छह से वैल्यू रख देंगे, समीकरण सात में क्या करना है समीकरण छह से अपने को डीएफ का मान रखना है। तो ये आ जाएगा समीकरण छह में सात से क्या आएगा पी विद्युत इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इनटू आर डीएस बटा में क्या है डीएस, डीएस से डीएस कैंसिल, तो यहां से इलेक्ट्रिक प्रेशर आ जाएगा दाब विद्युत आ जाएगा दाब विद्युत। दाब विद्युत अपन लिखेंगे पी विद्युत से पी विद्युत इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। ये समीकरण ये फॉर्मूला ये सूत्र क्या है दाब विद्युत या विद्युत दाब का व्यंजक है। इसको अपने चेंज भी कर सकते हैं, इसको अपने बदल भी सकते हैं, और बदलेंगे कैसे क्योंकि हम जानते हैं अपने जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या था सॉरी ई इक्वल टू क्या था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो सिग्मा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं ई एप्सिलॉन जीरो, ये लिख सकते हैं सिग्मा बराबर क्या है ई एप्सिलॉन जीरो, ये मान अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यह आ जाएगा पी विद्युत इक्वल टू इक्वल टू मान रख देंगे सिग्मा का सिग्मा स्क्वायर है ई स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो से एप्सिलॉन जीरो कैंसिल, या लिखेंगे इसको या आएगा विद्युत दाब या दाब विद्युत इक्वल टू एक बटा में दो क्या बच गया यहां पे एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, ये आंसर अपने पास बच गया। और यही क्या है विद्युत दाब का व्यंजक है। समीकरण आठ क्या है समावेशित गोलीय कोष या चालक गोले के विद्युत दाब या दाब विद्युत का व्यंजक है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म हुआ, अब इस लेसन में दो पॉइंट रह गए, कल
बुधवार गुरुवार को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ आपको आज या कल भेज दी जाएगी, इसके बाद में आपको पूरे नोट्स लिखने हैं अच्छे ढंग से। कुछ बच्चों अब तक कॉपी नहीं भेजिए, टेस्ट हो गया है, चार पांच बच्चे अभी रह रहे हैं, अभी अगर आपके पास टाइम हो तो आप भेज सकते हैं अच्छे ढंग से। और जितना भी कराया गया है उसको आप अच्छे ढंग से याद करें, पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।